Hello North Bengal, this is Naina and North Bengal's Got Talent presents you with the Talent Hunt Contention 2019 Season 3, a multi-level competition that includes dance, drawing, handwriting, chess, table tennis and mathematics. Thank you. था और विनर रहा और उसके बाद वो डीआईजी के मंच में भी सिलीगुड़ी को प्रेजेंट किया है. आज मैं मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस नाम को वापस अनाउंस करने जा रही हूँ. विशाल यादव, इस बच्चे के जीवन में सार्थक है. प्लीज एक बार जोरदार तालियां मेरे. हेलो गाइस एंड वेलकम टू नॉर्थ बंगाल फॉर टैलेंट. दिस इज योर होस्ट नैना एंड टुडे वी आर हियर बैक विद अ शॉर्ट इंटरव्यू विद बंदना मैम, वन ऑफ द ओनर ऑफ टैलेंट हब एंड आल्सो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ टैलेंट हब कंटेंशन 2019 सीजन 3. सो लेट्स स्टार्ट द चैट. सो मैम, हाउ डिड यू गेट इंस्पायर्ड एंड हाउ डिड यू गाइस थिंक अबाउट स्टार्टिंग such an institute called Talent Hub? Actually, मैं और लीना, we are friends. और हम लोग एक दिन बच्चों के बारे में बात कर रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि बच्चे स्कूल से आने के बाद में कुछ करिकुलर एक्टिविटीज कर ही नहीं पाते हैं. आइदर वो ट्यूशन में चले जाते हैं और फिर ट्यूशन से आया वापस से अपना वीडियो और लैपटॉप लेके आए. तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को कुछ इंगेज करना चाहिए, तो वी टुक द इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश दिस इंस्टीट्यूट. और इस एरिया में पेरेंट्स का जो सपोर्ट हमको मिला उसके लिए हम उनके थैंकफुल हैं. बच्चे और पेरेंट्स के काफ़ी सपोर्ट रहा. तो आप लोगों के कितने इयर्स हो गए कि आप लोगों ने ये स्टार्ट किया हुआ? हमें 3 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं. ये 4th ईयर हमारा चल रहा है.
तो आप लोगों का दो सीजन था, इट वॉज क्वाइट सक्सेसफुल एंड दिस इज़ द थर्ड सीजन. सो हाउ डू यू फील अबाउट थर्ड सीजन, आपका इतना सक्सेसफुल हो गया? मैम एक्चुअली देखा जाए तो हमने कुछ भी नहीं किया, ये सपोर्ट है सारे स्टूडेंट्स का, सिलीगुड़ी के सारे पेरेंट्स का, जो कि चाहते हैं कि वो इस मंच को स्टेज पे आए बच्चे होंगे और इस कॉम्पिटिशन में भाग लें. मतलब इनफैक्ट हमारी जो पहले एक्टिविटीज़ थी उसमें इस बार कॉम्पिटिशन में हमने 2-3 एक्टिविटीज़ और ऐड भी की है, तो और उसमें अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा है. सब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आजकल कॉन्शियस हो गए बच्चों के लिए और दे आर गिविंग टाइम. ऐसा देख के लग रहा है कि सचमुच में आजकल पेरेंट्स को देख के लग रहा है कि बच्चे के लिए वो बहुत कंसर्न है, जो कि बहुत अच्छे साइन है पेरेंट्स के. और लाइक आपका फर्स्ट सीजन और सेकेंड सीजन थर्ड सीजन, तो आपको डिफरेंस क्या थे 3 सीजन में और कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ थर्ड सीजन कम्पेयर टू बोथ द सीजंस? सभी सीजन सक्सेसफुल ही रहे और थर्ड सीजन में चूँकि काफ़ी हमें और भी है, एक्चुअली में हमने सिर्फ 4 हाथ थे, 2 लीना के और 2 मेरे, इन 4 हाथों ने काम शुरू किया. लेकिन अब ऐसा है कि अब काफ़ी हाथ जोड़ते जा रहे हैं और ये कारमा बनता जा रहा है, जिसके लिए हम बहुत सारे लोगों के शुक्रिया जा रहे हैं. और इस कारण ये काम ज़्यादा सक्सेसफुल, लोगों को ज़्यादा पता चल रहा है. हालांकि शायद कंपटीशन में उतने, फर्स्ट ईयर भी हमारे अराउंड 400 पार्टिसिपेंट्स थे, इस बार भी 400 ही हैं, बट लोगों को पता चला, लोग इसको इस कॉम्पिटिशन में बहुत बागडोगरा वगैरह सब जगह से, बागडोगरा दार्जिली डिस्ट्रिक्ट इन सब जगह से बच्चे आ रहे हैं. तो ये सब देख के अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लोग खुश हैं हमारे काम से. तो आप लोग इंस्टीट्यूट में डिफरेंट कैटेगरीज क्या है? हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में स्पोर्ट्स में हमारे पास में कराटे, चेस, टेबल टेनिस, हम सारे इंडोर एक्टिविटीज़ ही रखते हैं. और उसके अलावा हमारे पास में म्यूज़िक में ड्रम, तबला, पियानो, हारमोनियम, गिटार, देन वी हैव डांस क्लासेस, क्लासिकल डांस ऑल्सो एंड अदरस एंड देन ड्राइंग. There are different other institutes here in the market and they are particularly based on dancing में है या फिर music में है या sports में है. तो आप लोगों ने ये कैसे सोचा कि हम लोग सारे activities को हमारे institute में लाएंगे? Actually देखिए, जहाँ पे भी आपको, जो आप institute की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे एक dance institute है, उनके organizer जो है वो एक dance teacher या जो drawing teacher, art teacher है, उन्होंने अपना एक art institute खोला. हमने यहाँ पे सिलीगुड़ी से छाट छाट के हमने टीचर्स को बुलाया. हमें लगा कि एक रूफ के नीचे होने से क्या, एक बच्चा अगर कोई आर्ट लेना चाहता है तो वो एक स्पोर्ट्स भी ज्वाइन करना चाहता है डेफिनेटली. और यहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट्स के लिए इजी है, उनको एक ही सेंटर में भेजना है, बस टाइमिंग उनकी अलग अलग है. तो ये पेरेंट्स के लिए कन्वीनियंट होता है कि चलो बच्चा जा रहा है, पहले आज उसका टेबल टेनिस है, कल उसकी आर्ट क्लासेस है, परसों उसकी डांस क्लास है, तो ये उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है. उसके हम अपने बच्चों के हिसाब से हमने सोचा और हमें जो अच्छा लगा वैसे हमने चॉक आउट किया प्रोग्राम इसको, और सब पेरेंट्स भी वैसे ही चाहते थे. सो मैम, आप लोग बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं और आपके इंस्टीट्यूट को, आपके इंस्टीट्यूट कैसे दूसरे इंस्टीट्यूट से डिफरेंट है, ऐसा स्पेशल क्या बनाता है आपका इंस्टीट्यूट? देखिए, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट से अपने इंस्टीट्यूट को कंपेयर नहीं करना चाहती. वो जो कर रहे हैं उनकी नज़र में जो बेस्ट है, हर कोई अपनी बेस्ट देता है. हमारे इंस्टीट्यूट में हम बस बच्चे, हमारा ये रहता है कि जब भी बच्चे क्लास के लिए यहाँ आते हैं उस टाइम में हम यहाँ पे रहने की फुल कोशिश करते हैं. फुल टाइम रहने से क्या है कि बच्चे कोई भी तरह की प्रॉब्लम होने से हम खुद देख रहे हैं कि बच्चे क्या सीख रहे हैं. अच्छा, बच्चों को कहीं पे सीखने में दिक्कत आ रही है तो हम टीचर से कंसल्ट करते हैं कि यहाँ पर हम इस चीज़ को कैसे ईजी बना दें ताकि बच्चे सीख सकें इस चीज़ को. इस तरह से हमारी पूरी कोशिश, अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि बच्चे अच्छे से अच्छा सीख सकें और उनको सही एक्सपोजर मिल सके. आप लोग बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं? जैसे आप लोग ने कंटेंट 2019 था, लास्ट ईयर भी था, तो आप लोग ने यू गाइस हाउ, व्हाट एल्स डू यू अरेंज विद किड्स? लाइक आप बात कर रही थी कि आप फेयर चलती है, तो वैसे आप क्या सारे चीज़ें अरेंज करते हैं आपके बच्चों के? हम लोग बच्चों के लिए टीचर्स डे में हम लोग टीचर्स के लिए एक अच्छा प्रोग्राम करते हैं और चिल्ड्रंस डे में हम लोग बच्चों के लिए फेयर, वो फेयर बच्चे उसमें हम बच्चों के लिए कुछ फ्री कूपन्स रखते हैं ताकि हमारे जो भी इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं वो एंजॉय कर सकें. और फूडिंग वगैरह सब रहता है उनके लिए, गेम्स, फूडिंग, और बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ में आते हैं, खेलते हैं, मज़ा करते हैं, और जब उनके जीतते हैं तो उनको बहुत खुशी भी होती है. तो आप लोगों के पास डिफरेंट टीचर्स
टीचर्स है, तो आप लोग ये टीचर्स कैसे चूज करते हैं? हाउ डू अपॉइंट टीचर्स हियर? बिकॉज आप लोग का इंस्टीट्यूट इज क्वाइट स्पेशलाइज्ड, सो टीचर्स भी स्पेशलाइज्ड होने चाहिए, तो आप लोग कैसे? हम लोग टीचर्स से पहले सी वी मिलते हैं, उनकी सी वी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम टीचर्स को अपॉइंट करते हैं। और आपके लाइक सारे बच्चे तो सेम नहीं होते, तो आप लोग कैसे डील करते हैं बच्चों के साथ? डिफरेंट बच्चों के साथ डिफरेंटली डील करना पड़ता है, आप लोग ये कैसे करते हैं, टीचर्स कैसे करते हैं? बच्चे तो बच्चे हैं, दे आर वेरी स्वीट और बहुत सॉफ्ट हो गए, आपको पता भी नहीं चलता कब उनके साथ में कैसे मिक्सअप हो जाते हो, और उनकी और वो ईजीली आप करके निकल जाते हो। बच्चे डिफरेंट होते हैं, लेकिन होते ना कि आप जैसा नर्सिंग करते हैं वैसा ही प्लांट जो होता है, तो हम जब बच्चे को नर्स का, हालांकि हमको भी 2 महीना लग जाता है एक बच्चे को समझने में कभी कभी, और 2 महीने बाद हमको पता ही चलता है वो बच्चे में क्या अलग था, हमें तो लगता है सब बच्चे एक जैसे, कुछ फर्क महसूस ही नहीं होता। तो आप लोगों ने जो टैलेंट है स्टार्ट किया था आपने और मैम ने, तो क्या डिफिकल्टीज आई? आज आप लोग इतने सक्सेसफुल है इसके साथ, तो व्हाट वर द डिफिकल्टीज जो आपको फेस करने पड़े थे? मुझे और लीना को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी उस टाइम में। ऐसा होता था कि मतलब लोगों को पता नहीं होता था कि टाइमिंग क्या, ऑफिस टाइम क्या है। अब वो आ गए तो उनको अपने चैलेंज के बारे में बताना है, तो हम जहाँ भी होते थे हम दोनों में से कोई भी उस टाइम पर पहुँच के पेरेंट्स को पूरा समझाना, धीरे धीरे पेरेंट्स को पता चलता गया, माउथ टू माउथ स्प्रेड हुआ, और हमारा गाँव क्योंकि जिनको पसंद आया उन्होंने दूसरों को भी बताया, इस तरह से हम लोगों से जुड़ते हैं। तो आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है, तो मार्केटिंग आपकी जस्ट माउथ टू माउथ हुई, ऐसे कोई नहीं थे कि आप लोगों जाके मार्केट में ऐसे? नहीं, वैसा हमने कुछ भी नहीं किया। हाँ, हमारा जो भी था माउथ टू माउथ, जो भी पेरेंट्स मिलने आए, हाँ हमारे इस एरिया के जो पेरेंट्स हमसे मिलते थे, हम उनको कभी कोई बातचीत भी मिले या कहीं भी मिले, हम उनको एक्सप्लेन करते थे कि ऐसा ऐसा सेंटर खुला है, आप आइएगा सर। आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है, इसलिए आज आप इस लाइक मुकाम पर पहुँचे हैं, बिकॉज एक दिन में तो ऐसा नहीं होता है, यू गाइज वर्क वेरी हार्ड, सो हाउ डू यू फील कि आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, अभी तो बहुत कुछ बाकी करने को, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगता है कि हमने जब इंस्टीट्यूट शुरू किया था तो हमारे पास कराटे में सिर्फ एक बच्चा आएगा फर्स्ट डे, और हमें ऐसा लग रहा था कि एक बच्चा है कैसे क्लास ग्रो करेगी, क्या होगा, लेकिन हमारे बच्चों ने जो इस साल डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल में स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस किया है, उसके बाद में तो मतलब सोच के ऐसा लगता है कि वो शायद वो दिन भी था जब एक बच्चा था हमारी क्लास में। तो टैलेंट हब बहुत लाइक छोटी जगह से शुरू हुआ है, और अभी आपको स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के इतने सपोर्ट मिल रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को? मैं सबको सिर्फ थैंक्स देना चाहूँगी, और उनसे सिर्फ सब पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ थोड़ा फेथ कर, जो आपने अभी तक हम पर रखा है वो बनाए रखिए, जब तक ही आपके बच्चे को हम आगे तक लेके जाएंगे, क्योंकि आपके बच्चे अब सिर्फ आपके नहीं हैं, वो हमारे भी बच्चे बन चुके हैं, तो एकदम भी टेंशन मत लीजिए, फेथ रखिए, बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, और ये हमारा आपसे पूरा पक्का वादा है। तो एट द एंड आप टैलेंट हब के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? टैलेंट हब एक्चुअली ना मेरे और लीना का, लीना की थॉट है, इसको जो हम लोगों ने नर्सिंग करना शुरू किया तो हमारी जो मेहनत, हमारा जो टाइम इसमें डिवोट हुआ है वो उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, उसके लिए कोई वर्ड्स भी नहीं है, हम लोगों ने जितना टाइम इसमें दिया है, अगर उनको कोई और कोई अगर बिजनेस में कोई लगा था तो शायद वो कहाँ का कहाँ बिजनेस पहुँच गया होगा, लेकिन हमने ये बिजनेस नहीं, हमने ये बच्चों पे लगाया है, और हमको ऐसा लग रहा है कि बच्चे भी डेफिनेटली जैसे एक बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करता, वैसे ये बच्चों की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी ग्रो करेगी, और चूँकि एक्टिविटीज़ जब बच्चों की ग्रो करती है ना, हमारा ऐसा मानना है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या जिनमें जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनको क्या उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हर एक्टिविटी में एक कॉन्सेंट्रेशन पावर होना ज़रूरी है, तो जब उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली वो स्टडीज़ में भी लगेगा, वो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में आएगा, तो ये डेफिनेट है कि ये जो हमारा टैलेंट सबसे बच्चे निकलेंगे वो ओवरऑल एक अच्छी पर्सनैलिटी बच्चे निकलेंगे, वो स्टडीज़ में भी अच्छा करेंगे और इसमें भी अच्छा।
So ma'am, आप इस बार के 2019 में क्या special था और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? 2019 स्पेशल इसलिए रहा मैम क्योंकि इसमें हमने गवर्नमेंट स्कूल के साथ में भी हम खुद गए गवर्नमेंट स्कूल में और कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया वहाँ से जिन बच्चों ने अच्छा किया उन बच्चों को चूज करके हमने यहाँ कॉम्पिटिशन में बुलाया। लेकिन इस बार हमने सिर्फ दो ही एक्टिविटीज़ रखी थी उनकी, मैथ्स और ड्राॅइंग। नेक्स्ट ईयर हम चाहेंगे कि उनके लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो। एक्चुअली जो हमारे एरिया इंस्पेक्टर है राजीव सर, राजीव चक्रवर्ती सर, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव हमें NHPC के थ्रू मिला था कि आप ऐसा करेंगे तो आपको शायद ज़्यादा अच्छा हो लगेगा। तब हमने कोशिश की और हमको अच्छा भी लगा और हमने इस प्रोग्राम में राजीव सर आए थे। उन्होंने प्रोग्राम देखने के बाद में उनका ये था व्यू कि अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चे के लिए रखें तो बच्चों में एक टैलेंट डेवलप होगा। हर बच्चे में टैलेंट होता है, हर बच्चे में एनर्जी होती है, बस उसको सही जगह पे यूज़ करना है। तो राजीव सर का ये इनिशिएटिव था कि हम गवर्नमेंट स्कूल में जाएं और ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करें और हम वहाँ गए। ये आइडिया हमको NHPC से मिला था और NHPC हमारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में हमेशा हेल्प भी करता है। हमने ये इस आइडिया पर काम किया तो हमको खुद को बहुत अच्छा लगा। और राजीव सर इस प्रोग्राम में आए थे तो उनको ये प्रोग्राम देखने के बाद में ऐसा फीलिंग आया कि ये जो बच्चे, सब बच्चों में टैलेंट होता है, सब बच्चों में बहुत एनर्जी होती है, बस उसको सही जगह पे रिलीज़ करना है आपने। तो राजेश सर चाहते थे कि अब ये एक्टिविटीज़ हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ प्रमोट करें गवर्नमेंट स्कूल में और जहाँ बच्चे इसको सीखेंगे और वो भी उनकी भी जो उनका जो टाइम डिस्ट्रैक्शन ऐसे ही जा रहा है वो एक सही एनर्जी सही जगह पर जाएगी, सही जगह पर उनका टाइम लगेगा। तो अब टैलेंट अब उनके साथ इसमें भी काम करेगा। शायद 2020 का जो कंटेंशन सीजन 4 रहे उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल से भी बच्चे कंपटीशन के लिए। सो गाइस, दिस इज वंदना मैम फ्रॉम टैलेंट हब। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू हर। टैलेंट हब ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ आप अपने बच्चों को ला सकते हैं और उनको और बेहतर कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज सिखा सकते हैं। तो प्लीज़ विजिट करें हमारे टैलेंट हब को। और एट द एंड में मैम से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ नॉट बिंग वॉज योर टैलेंट के लिए भी शब्द बोल दें। देखिए, आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए कुछ शब्द बहुत कम पड़ेंगे, बट स्टिल आपके इस इनिशिएटिव से काफ़ी बच्चे को ये लगेगा कि हाँ, हमें भी ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि वो टैलेंट हब भी आए, लेकिन वो सीखे। ये हम चाहते हैं कि बच्चे ये सब को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आगे जाएँ। हाँ, जो एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, वो इतना कॉन्सेंट्रेशन लेवल इतना बड़ा अच्छा होता है कि वो कहीं भी अपने आप को अपनी एनर्जी लगाएगा तो वो सक्सेसफुल ही होगा। उसी तरह से अगर बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ते हैं तो वो अपने आप को पहले से बेहतर लेवल पे पाएगा ऑलवेज। ये मैंने नोटिस भी किया और मैं हर पेरेंट्स के साथ में अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। थैंक यू मैम हमारे साथ चैट करने के लिए। सो गाइज, दिस इज वंदना मैम। इट इज़ रियली नाइस टॉकिंग टू हर एंड विल सी यू वेरी सून अगेन। एंड वी होप टैलेंट हब इमर्जेस एंड डज मोर बेटर इन फ्यूचर। थैंक यू एंड सी यू। थैंक यू मैम।